तो आज रात को 12 बजे के बाद ओरे वाह देखो हेलो शूनी, अभी मैंने क्या देखा, तूफ़ में देख रही हूँ आपको। आज मेरा बर्थडे है, सरप्राइज सोच रही हूँ, क्योंकि ना तो जब केक कटिंग होगी ना तो मैं उसको सरप्राइज दूंगी। तुम्हारे प्यार के बीच में मैं आ नहीं सकता, चाहे मैं बेहोश हो जाऊँ। तो आनू ने अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट ले लिया, टैलेंटेड बच्चा है मेरा। देखो देखो बच्चा जब बड़ा होता है, देखा आनू मिला बेटा, खाया आपने? वो मम्मा देके गई थी। अच्छा अच्छा ना, मैंने गाड़ी भर दी पूरी गोलू के बर्थडे के लिए। बर्थडे है भाई, बर्थडे है, मेरी बहन का बर्थडे है। बस अब मैं थक गई, बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? हो करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो तू वो यहाँ पे ऐसे कौन खाता है भाई रोटी, ऐसे कौन खाता है, मुंह में से कौन बाहर निकालता है, गंदी बात करते हो। तो गाइज आज है, आज डेट क्या है, 19 है कि 20 है? 19। तो आज रात को 12 बजे के बाद गोलू का बर्थडे शुरू हो जाएगा। तो गोलू के लिए मैंने स्पेशली गिफ्ट मंगा रखा था और वो मेरे आने से पहले आ गया, तो मैं दिखाती हूँ। तो ये है जो मैंने मंगाया था गोलू के लिए। वाओ कितना प्यारा कपड़ा है इसका। 1 top, 2 top, 3 top, 4 top, 5 top, मतलब उसके लिए मेरे लिए जो भी मंगाया दो का है। ये क्या है? What is this? This is not good stuff. This is very poor stuff. ये आया गोलू मम्मा के लिए ब्लैक। गोलू मम्मा ने ब्लैक बोला था। कौन सा? Do you like it? This one? This one पहन के दिखाओ। रेट भी दिख रहा है गाइस। This one पहन के दिखाओ। ओरे वाह, ये तो जच रहा है तू बरानी पे। तू बरानी रख ले, रख लो। तुबा ने पहना है मम्मी का जारा का टॉप। देखो जी, देखो देखो। तो ये तो तुबा को ही आ गया, मम्मी को क्या आएगा? तुबा को नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया, नहीं पसंद आया, नहीं नहीं कह रहे सस्ते टॉप ही पहनती मैं। तो वही यहाँ पे हमारे नाइट सूट आ गए, हमने जो नाइट सूट मंगाए थे, तो ये सारे नाइट सूट आए ख्याति ऑनलाइन मार्ट से, और बहुत सारे नाइट सूट मंगाए जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने कहा चलो मंगवा के देख लेते हैं, क्योंकि हम एक ही पहले। ये वाला बड़ा बहुत बढ़िया है, ये वाला मुझे भी बहुत पसंद पहन के। हाँ ये बढ़िया है, वापस रखो मम्मा को दो। आपको दूंगी, आप भाई को देना, ठीक है? मैं इसको समझा देती हूँ, मैं समझा रही हूँ। अच्छा नहीं नहीं, ये लो आपको, आपको ठीक है, ठीक है, कह रहे मैं दूंगा। हाँ वेरी गुड, आलू लो, ये लो, ले जा दू। हाँ एक सेकेंड, ये लो, ये ले लो। हमारी टीम स्ट्रांग है, हमारी टीम उससे ज्यादा, अच्छा हमारी टीम उससे ज्यादा स्ट्रांग। देखो हम क्लैपिंग भी बताते हैं। ये इतना जोर से मेरा बेटा फेंकता है, ये लो ये लो ये लो, उसके हाथ से पिकवा तो सही, ये लो नहीं उसके हाथ में दे। हमारे टीम फेंक सबसे तेज है, फेंक फेंक वो कह रहे। अच्छा जी कह रहे गेम के बीच में। अच्छा चल वो नहीं करेगा, अच्छा नहीं लो, गेम के बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, टेंशन मत ले। हाँ इसको भी दो, इसको तो वो कह रहा है चुपचाप फेंको, ये अपने बॉल ये किसी को नहीं देगी, फेंको थोड़े रखे साइड पे, फेंको एक में दे रहे, फेंको ये जादू ये से खेल रहा है। जादू करो, उधर थोड़ी फेंकनी थी मम्मा पास, फेंकनी थी फेंक के दोनों हमको, दो उधर दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो, इनको दे दो, इनको दे दो। आंटी आई, देखो चिज्जी लाई, आंटी आई। यार पायल, यार आज हमें बहुत काम है। मैं सोच रही हूँ कि ना ये वाला चीकू के पापा कहते हैं कि गोलू पायल तुम कहीं भी जाते तुम कपड़े नहीं मिलते, तो हमारे जो बेस्ट ब्रांडेड कपड़े हैं ना ब्रांडेड, वो इस साइड हमारे सारे ना सर्दियों के स्वेटर टी शर्ट पड़ी। अब तो देख पहनने का मौसम नहीं, तो मैं काम करती हूँ, तो जब तक ये कर मैं सारा सामान निकाल। एयर टाइट वाले बैग पड़े? यार पायल मेरे को तो नहीं पता, नहीं वो कल बच्चों के सारे। अभी मैंने क्या देखा, मेरे जो हमारा बड़ा वाला बैग, नहीं बड़ा वाला बैग, उसको मैंने ओपन करके देखा कि बच्चों के कपड़े, किसी ने ना बिना एयर टाइट करे ना सामान उसमें ऐसे डाला हुआ है, वो एयर टाइट किया था वो खुल गया, पर वो सारे कपड़े बच्चों को छोटे हो गए हैं, रखने का क्या फायदा है, निकाल देती हूं। बहुत काम है गाइस। तो ये जो लड़की है ना इतनी निकम्मी हो रही है, इतनी निकम्मी हो रही है ना, इस बात मैंने मारा है। तो मैं पिछले ना 15 दिन से एक जीन्स ढूंढ रही थी, मैं कह यार क्यों क्यों तो मैं एक जीन्स ढूंढ रही थी कि पायल यार एक जीन्स नहीं मिल रही, एक जीन्स नहीं मिल रही। पायल कह रही गोलू मैंने खाली बैग किया, मैं कह रही हूँ पायल ने बैग खाली किया, मिल नहीं रहा, वो बैग पूरा का पूरा बाहर पड़ा है, अब उस करेंगे पूरा सामान सेट आज आज कर दे। अच्छा आपके एक जारा में ना आपकी मेल मानी पड़ी थी, जारा की जीन्स मैं सोच रही हूँ काम करूँ रात को, तो गाउन पहन लेंगे वो ऐसा लग रहा है घर पे दो ब्लैक कलर की है, ब्लू कलर की है, अनप्रेस है पूरी, वो घर पे धोई हुई है। ट्राउजर है कि जीन्स है? जीन्स जीन्स
ब्लू कलर की मेरी ऐसे ऐसी कर दीजिए जी ले रात को पहन लियो चल पागल है क्या इतना भारी कौन पहनेगा मैं तो किसी इवेंट पे पहनेंगे रात को केक कट करेंगे ना वो मैंने धोती बना रखी है तेरी धोती धोती वो वाला ड्रेस वो पहनू रात को और क्या पागल है तू तो आज बच्चों को मैंने उनकी पुरानी यादें ताजा करवा दी है दिखाती हूँ क्या दिया है आज मैंने बच्चों को इनका फेवरेट दिया है कार्टून कि बचपन में इतना इसको मुंह में डालते थे ना इतना खेलते थे अभी भी गीला पड़ा हुआ है आते आनू ने इसको मुंह में डाल दिया तो ये आनू का और जैदू का फेवरेट टॉय था ये और तुबू को मैंने दिए है मिनी माउस अब मैंने इतने सारे टॉय दे दिया तुबू को ध्यान देखो का वो जाएगी ऊपर खड़े होके फोन खींचेगी चार्जर खींचेगी तुबू मैं देख रही हूँ आपको तुबू दीदी के साथ खेलो दीदी के साथ दीदी को सुला दो अच्छा नीनी करा दो दीदी को नीनी करा दो ले ली उसने दीदी उसकी कह मैं कराता हूँ देखो नीनी तो गाइस बच्चे ना गर्मियों में पैदा हुए थे दोबारा वही टाइम आ गया एक साल हो गया तो उस बच्चों के जो कपड़े हैं ना भाई बहुत जल्दी छोटे होते हैं मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ कपड़ों को रख कर फायदा नहीं है तो एक तो हमारे ना ये स्टैंड से लगे हुए हैं तो उसकी वजह से जो हमारा बैग है ना इतना ही खुलता है तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ क्योंकि देखो किसी के काम आएंगे हमारे बच्चों के कपड़े हैं तीन बच्चे इतने कम यूज हुए हैं दीदी सारे बच्चों के कपड़े कितने नए नए हैं ना क्योंकि बच्चों के कपड़े हाथ से धुलते हैं और एकदम प्रेस होकर सारे रख जाते हैं तो बच्चों के कपड़े इतने नए नए रखते हैं ना अभी तुबू का है ये तुबू ने पहना होगा ठीक है दो या तीन बार पहने और ऐसा लग रहा है नया पड़ा है भैया नए नए लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ सारे बच्चों के कपड़े निकाल देती हूँ गर्मियों का टाइम आने वाला है तो कोई और बच्चा पहन लेगा एटलीस्ट कपड़े यूज तो होंगे ये वाला सेट है ना जैद और रियान ने कितनी बार पहना उसके बावजूद भैया कैसे लग रहा है बिल्कुल नया पड़ रहा है बिल्कुल नया लग पड़ रहा है मैं सारे कपड़ों को ना एकदम प्यार से अच्छे से रखती हूँ मेरे बच्चों के कपड़े हैं ये वाला तो नहीं आएगा ये तो बहुत छोटा है मैं सोच रही हूँ जो कपड़े है ना वो निकाल देती हूँ और जो कपड़े बहुत छोटे से बहुत छोटे हैं तो गर्मियों का टाइम है कोई तो बच्चा होगा वो पहन लेगा कम से कम कोई तो पहनेगा है ना मैं जैदू इतना सा छोटा सा ऐसे पिलपुलू सा इसे ना तो पहनता था मेरे पास की वीडियो भी है इसके अंदर ये बड़ा था उसके हाँ ये भी बड़ा होता था अब छोटा हो गया जो छोटे कपड़े ना वो सारे निकाल दो ये वाला गाइस बिल्कुल न्यू पड़ा है ब्रांड न्यू है ये वाला तूबा ने टच भी नहीं किया है भैया बिल्कुल न्यू अब तो आएगा ही नहीं तूबा को क्या किसी को नहीं आएगा तो गाइस ये वाली जो फ्रॉक है ना नीतू ने गिफ्ट की थी नीतू मासी ने तुबू को और उस टाइम पे तुबू छोटी थी फिर सर्दियां आ गई तो हम पहना नहीं पाए और अब गर्मी आ गई तो अभी भी नहीं पहना पाएंगे तो ये फ्रॉक बिल्कुल ब्रांड न्यू है एक बार भी टच नहीं हुई है ये वाली भी फ्रॉक तुबा ने नहीं पहनी है मैं ट्राई करके हूँ तुबा क्या नहीं आएगी बाबू ये करेगी नहीं आएगी बहुत टाइट होगी परेशान हो जाएगी तो गाइस ये मेरा एक्टिंग करती है देखना है देख मैं भी कफ करूंगी तुबू एक्टिंग करिए तो गाइस बच्चों को ना पिकनिक बड़ा पसंद है तो मैं पिकनिक का पैकेट खोलती हूँ ना तो वो इतना बड़ा होता है सिल ना जाए तो मैंने पिकनिक कर दिया इसमें पैक और देखो सारे अंकल चिप्स ले रहे हैं सबके लिए अंकल चिप्स ये आपका अंकल चिप्स पकड़ो आनू ये आपका अंकल चिप्स हाँ जी आपका था ठीक है निकी अंकल चिप्स खा लेंगे ना तब इसको दियो तो गाइस मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा बर्थडे है रात को 12 बजे मेरा बर्थडे स्टार्ट हो जाएगा तो मैं पायल के लिए सरप्राइज सोच रही हूँ क्योंकि ना पायल ने ना मेरा टैटू करवाया था तो मैंने ना काफी टाइम से मन था कि पायल के लिए टैटू कराऊं तो मैं चाहती हूँ कि कोई स्पेशल डेट पे टैटू कराऊं ताकि वो जो टैटू है ना हमेशा यादगार रहे कि हाँ उस दिन टैटू करवाया था तो रात को 12 बजे जब पायल मेरे लिए केक मंगवाएगी मुझे पता है वो ऐसे ही मेरे सामने बात नहीं करी पर उसने मेरे लिए केक मंगवाया हुआ है ये बात तो मैं 101% जानती हूँ उसने मेरे लिए गिफ्ट भी लिया होगा बता नहीं थी पर होगा तो जब केक कटिंग होगी ना तो मैं उसको सरप्राइज दूंगी कि पायल के नाम से तो यहाँ पे मेरा संदीप नाम का टैटू है ये 2017 का है 2017 में बनवाया था तो यहाँ पर मैं सेम फॉन्ट में ना पायल करवा रही हूँ तो भैया को बुला लेती हूँ टैटू वाले अभी उनको मैं कॉल करती हूँ उनको बुलाती हूँ और टैटू करवाती हूँ और लक्ष्य तो ध्यान रखियो कि एक टैटू आधे घंटे बन जाएगा मेरे ख्याल से नाम लिखाना हाँ नाम ही लिखवाना है तो संदीप तो 7 वर्ड है पायल तो 5 वर्ड है तो 15-20 मिनट के लिए तो पायल को बिजी रखियो ठीक है तो मैं छुप 7 वर्ड थोड़ी है 6 7 2 3 SANDEE 7 ही तो है 7 वर्ड्स है तो पायल 5 वर्ड्स है तो मैं यहाँ पे पायल करवा रही हूँ ठीक है 15 मिनट कैसे लगेगा दीदी अच्छा लगेगा सेम यहाँ पे ऐसे पायल है ना तो गाइस फाइनली प्रिंट आ चुका है दोनों सेम प्रिंट है तो ये है प्रिंट पायल का और यहाँ पे करवा रही हूँ मैं सेम पहले मैं सोच रही कॉलर बोन पे कराऊं बट कॉलर बोन पे ना इतना ज्यादा मतलब कि ये शो नहीं करेगा तो फिर मैंने सोचा कि काम करती हूँ यहाँ पे सेम लिखवाती हूँ यहाँ पे जहाँ पे संदीप है वहाँ पे पायल आएगा तो ये भैया फिर यहाँ कर दो शेडिंग का देख लूंगी आप कर दो सही तो वही प्रिंट हो रहा है प्रिंट हो गया फाइनल क्या बनवा रही हूँ पायल बनवा रही हूँ संदीप के साथ पायल तो सुनारे के पास बनती है तो भाई ये देख रहे हो प्यार है इनका यार और तुम्हारे प्यार के बीच में मैं आ नहीं सकता तो आज सारा दिन बहुत हेक्टिक है चीजों में लगे हुए कल गाना शूट है तो मैं सारे दिन से बिजी हूँ काम जोरों शोरों से हो रहा है ऐसे लग रहा है मेरी स्किन है ना शांति अपना टैटू भी देख रही है दीदी मेरा टैटू रिफिल करा दो हाँ अच्छा लगेगा थोड़ा बाकी तो सही रहो हाँ ठीक है बड़ा टाइम बाद टैटू करा रहे मेरा लास्ट टैटू था जो मेरी कमर पर है क्या लिखा था
भूल गई एक सेकंड लव योर सेल्फ को जैसे लिखा था। तो मैं टैटू स्टार्ट करवा रही हूँ, तो भैया मुझे ना टैटू से पतला नहीं चाहिए, मुझे मोटा टैटू चाहिए, चाहे मैं बेहोश हो जाऊँ चाहे मैं गिर जाऊँ, पर टैटू मुझे मोटा चाहिए, जैसे संदीप है ना मोटे मोटे फटे कटे, चाहे पाल पतली है पर टैटू पाल का मोटा। तो गाइस मुझे सच में डर लग रहा है, पता नहीं मशीन जैसे आ रही है ना करके, तो मेरे दिल के अंदर सू हो रहा है। सारे लोग आ गए, मेरे जितने भी गाँव वाले आ गए, सारे आ गए यहाँ पे। जय बजरंगबली, बजरंगबली जय माता दी, जय माता दी, लेके भगवान जी का नाम। चलो करके जी मैम, डर तो होता है ऐसे की बोलने की बात है, डर तो होता है भैया है। थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ा लगता है भैया, ये मेरा खून निकल रहा है क्या हल्का सा? मैम थोड़ा थोड़ा होगा, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है शांति। तू मम्मा को ब्लड डाल रहा था, तू कोई मतलब नहीं, तू को कोई मतलब नहीं है, मम्मा को ब्लड डाल रहा है। ताता कौन है? कौन है ताता? ताता कौन है? ताता कौन है? अभी ताता का कुछ नहीं पता, पाता का पता है, मुझे भी टैटू बन रहा है ताता। तो गाइस फाइनली यहाँ पे टैटू बन गया, बट अभी टैटू कंप्लीट नहीं है, तो हल्की सिंगल लेयर है अभी, तो टच अप किया अभी, तो सिर्फ हल्का सा करा, अभी तो इसको डार्क करना है ऐसे ऐसे। ये जो हार्ट हो गया इसमें शेडिंग, ये हार्ट में शेडिंग, ये वाई के अंदर, एल में, अभी तो सब में फिलिंग होगी, कलर होगा। चलो भाई करते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा भैया मशीन बंद करना, हल्का सा ना अभी लास्ट टच बचा है। ओहो दर्द हो रहा है, अब हो रहा है, स्वेलिंग तो आई जाती बहुत है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। मैं क्या उसमें कुछ और ऐड कराऊं, मेरे को लग रहा है डंडा ना हल्का सा बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत फाइन बनाया, टैटू का पी का डंडा थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, हल्का सा अच्छा लगेगा, मैं तो सही लग रहा है, आप देख लो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो भाई मैं और अयान जा रहे हैं अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट लेने, गिफ्ट मम्मा को देंगे, बहुत सारे गिफ्ट, गोलू हो जाएगी 31 साल की पूरी। तो आज हाँ, तो आज मैंने सोचा कि उसके लिए ना 31 गिफ्ट लेके आऊँ, क्योंकि गर्ल्स के लिए ना बहुत, गर्ल्स के लिए तो गिफ्ट की कमी ही नहीं है, कुछ भी गिफ्ट ले सकती हूँ, 31 गिफ्ट लेना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर उसकी पसंद का लेना ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी उसकी पसंद वही है, मतलब उसकी सारी पसंद मुझे पता है। चले फिर क्या क्या है मम्मा? तो अयान को ना घूमना बहुत पसंद है, तो वो मेरे को देख रही थी, मैं चोरी से ना अयान को उठा ले, क्योंकि मैंने सोचा थोड़ी देर ना ये घूम भी आएगा और मेरा ताम भी हो जाएगा, है ना। आनो डूमी डूमी करनी है ना, आपको पसंद है ना, पसंद है ना, ये उंगली मुंह में लेना बंद कर दूंगी, पीटी कर दूंगा, बहुत पीटा कर दूंगा। तो गाइस इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, सच में टैटू बन गया है मेरा, 1 2 3 तन। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बर्थडे मेरा मैं पाल को गिफ्ट दे रही हूँ, मुझे पाल के बर्थडे पे देना चाहिए, पर कोई बात नहीं, पाल और मेरा बर्थडे दोनों का मार्च में आता है, इट्स ओके। तो गाइस कमेंट करके बताना है टैटू कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है निशु भैया? बहुत अच्छा, लक्ष्य कैसा लग रहा है? बहुत प्यारा है भैया, बहुत ही अच्छा है। जादू कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? मना कर रहा है जादू, अच्छा लग रहा है, जादू अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, नोच देगा जैसे नोचता है, अच्छा लग रहा है। कैद ने भी टैटू कराएगा, इस कैद ने भी टैटू कराया, ठीक है। तो पायल गई हुई है यान के साथ बाहर, तो पीछे से मैंने टैटू भी करवा लिया, पायल आएगी ना तो काम करूंगी, फुल सी के कपड़े, हाँ। फुल सी के कपड़े पहन लूंगी, नहीं तो वो देख लेगी, ठीक है। और तो मैंने सोचा काम करती हूँ, तू और जैदू जा रहे थे, तो दोनों बच्चों को मैं लेके जा रही हूँ नीचे घुमाने के लिए स्टॉलर पे, हमारे स्टॉलर पे इतनी ज्यादा मिट्टी हो रही है, साफ क्यों नहीं करता फिर बाहर आके, कर लिया था सफाई, चीकू मान नहीं रहा, ठीक है बेटा चीकू फिर भी जाना भी है, बेटा उनको घर जाना है, पर भाई 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 को एक राउंड करवा लेंगे, तू भी साथ चल, हम चलेंगे ना, हमें चलना आता है। तो गाइस जैद की ना बेल्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो तुबा की तो बेल्ट है, जैद की बेल्ट है, मुझे डर लग रहा है कि कभी ये धक्के से कहीं गिर ना जाए, तो लक्ष्य कह रही दीदी मैंने इसको पहले भी ऐसे घुमाया था, मैंने मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। नहीं नहीं छोड़ दो, अब उसको पता है, इसको पकड़ के बैठना है, आराम से बैठा रहता हूँ। चलो ये काम करो जैद, अब इसको ऐसे करके पकड़ लो बेटा, ऐसे करके होल्ड करो, समझ गई, होल्ड क्या होता है, पायल भी मार्केट से आने वाली होगी, पायल अयान को लेके गई थी, तो मैं काम करती हूँ, पायल के आने से पहले पहले दूसरी टी शर्ट पहन लेती हूँ, क्योंकि ना ये जो टैटू है ना ये फिर उसको दिख जाएगा, तो मैं टी शर्ट अगर पहनूंगी तो खुली खुली पहनी होगी, क्योंकि चिपकी पहनूंगी तो टैटू खराब हो जाएगा, तो थोड़ी खुली खुली पहनी होगी। सोने का क्या लोगे बेटा? तुबू तुबू मम्मा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तुतु, क्या लेगी बेटी? तो मुझे ये दो टॉप पसंद आया, अब देखती हूँ मैं दोनों में से कौन सा ले लूँ, या फिर कोई और कलर लूंगी, ये जब मैं सारी अनबॉक्सिंग करूंगी ना, गोलू करेगी गिफ्ट की, तब आपको पता लगेगा मैंने ये लिया या कोई और लिया। 34 ज्यादा है, लड़कों और लड़कियों में कमर का फर्क होता है ना, 28 ये 28? अरे सेम पैटर्न नहीं है, डिफरेंट पैटर्न है, वो तो अच्छा वाला पैटर्न चाहिए, इसमें अलग अलग है ना, पर मुझे अलग अलग नहीं चाहिए ना, सही है ये, सही है ना, सही लग रही है ना, ये अच्छी लग रही है ना, साइज नहीं है। तो अनु ने अपनी मम्मा के लिए गिफ्ट ले लिया, देखो थैला भी खुद ही पकड़ा है, कह रहा मैं ही लेके जाऊंगा, मैं ही पकड़ूंगा थैला, और अभी ना दो उसमें वो रह गए थे टैग, तो वो लेने बाकी थे, वो मैं ले लेती हूँ, दिखाना मत क्या लिया है, चलो आज कल मुझे उठाने की जरूरत नहीं है थैले, सही है। देखो
थैला उठा के देखो फुल चल रहे हाँ। छोड़ भी नहीं रहा देख रहे टैलेंटेड बच्चा है मेरा देखो मेरे मम्मी के हाथ बटाने के लिए आया है साथ घूमने थोड़ी आया है तेरा मम्मा आप थक जाओगे इतने थैले उठा उठा के तो आधे थैले मैं ही उठा लूंगा आपके ये देखो ये देखो मुंह में नहीं डालना मुंह में नहीं डालना गंदे बच्चे जिसको अकेले घुमा रही अच्छी हाँ जी अकेले हाँ जी तो भाई अयान हमारे साथ बहुत देर से घूम रहा है तो मैंने सोचा कि इसके लिए ना कुछ चीजें ले लेती हूँ देखो बच्चा जब बड़ा होता है देखा कह रहे हाँ सही सोचा जब बड़े होते हैं ना बच्चे वो अपने आप ही चीज दिला लेते हैं चाहे पसर जाएंगे कुछ भी कर देंगे अभी ये उस लायक तो नहीं है तो मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ कह नहीं रहा तो मैं खुद ही दिला देती हूँ तो पहले इसको चीज दिलाएंगे फिर इसको गाड़ी में वापस भेजेंगे और फिर हम बाकी का काम करेंगे ओके अनु ओके डन ओके डन डन करो नहीं करेगा आगे देखो ये लूं घर के लिए नहीं लूं चेक करके बताओ चेक करके बताओ 250 ग्राम चेक करके बताओ हाँ चेक करके बताओ ले लूं घर के लिए अच्छा है अच्छा है खाई नहीं रहा तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा सामान ले लिया है पार्टी पॉपर ले लिए हैं और बर्थडे गर्ल का टैग ले लिया है यहाँ पे मैंने समोसे भी ले लिए बर्थडे गर्ल के लिए क्योंकि बर्थडे है तो गरम गरम समोसे लड़के खा रहे थे तो मैंने सोचा उसके लिए भी ले लेती हूँ और अब अयानों को भेज देती हूँ और मैं यहाँ से ना लाल चटनी मिल रही थी हरी नहीं मिल रही थी तो मैंने हरी चटनी की पर्ची कटवाई थी तब जाके मुझे हरी चटनी मिल रही है यहाँ से तो भाई मैंने उसके लिए लिए हैं 3 टॉप तो 3 31 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेंगे 28 अब 28 गिफ्ट्स लेके चलना उसके लिए तो सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कॉस्मेटिक पे जाती हूँ वहाँ पे जो जो सामान ले सकती हूँ वो ले लेती हूँ तो चलो लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो सोच रही हूँ लिपस्टिक एक तो मैंने ये ले लिया मैं पहले बता देती हूँ गोलू को ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये ले लिया है अब मैं उसके लिए लिपस्टिक के शेड देख रही हूँ तो हम आजकल ट्रैवल पे ज़्यादा रहते हैं तो मैंने गोलू के लिए पैक्ड ब्रश और सफ़र में हाथ पाथ धोने के लिए सोप हैंड सोप मैं तो यूज़ नहीं करती तो मैंने ये भी ले लिया है उसे बिंदी भी बहुत पसंद है बिंदी का पैकेट भी ले लिया उसके लिए कंगली हो जाऊंगी अगर बड़े बड़े गिफ्ट ले लें उसके काम की चीज़ें ले लेती हूँ जिससे काम होगी कि कपड़े मैंने उसके ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे चप्पल मैंने उसके लिए ले ली है बाकी सामान तो गाइज मैंने इतना सारा सामान दिया ना तो मुझे बहुत प्यारा सा फॉरएवर 52 का पाउच मिला है तो इसको पैक कराने की जरूरत नहीं है ये मैं ऐसे ही दे दूंगी बाकी सामान पैक कराने के देखो छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी खुशियाँ होती है तो अभी मैंने काउंट कर लेती हूँ कितना सामान हो गया और मैं उस सामान में समोसा भी जोड़ूंगी क्योंकि वो भी उसका फेवरेट है ठीक है तो अभी यहाँ से चलते हैं मैं अभी यहाँ कपड़े लेने आई थी भैया के पास पर भैया नमाज पढ़ रहे थे तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया मैंने कहा मैं बाद में आ जाऊंगी तो चलो अभी चलते हैं और वो उसको भी देखते हैं वो रो तो नहीं रहा नहीं हंस रहा है वो खेल रहा है खेल रहा है चलो आ जाओ अनू मेरा बेटा खेली खेली करता है मेरा बेटा खेली खेली करता है अनू मेरा बेटा खाया आपने वो मम्मा देखे गई थी अच्छा अच्छा था अच्छा था ये है चलो गिफ्ट मैक्स से लेते हैं कुछ है ना छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी होती है ना फिर आप तो तुझ पसंद आएगा ना हाथ रख देना मैं दिला दूंगी ठीक है मम्मा मना नहीं करेगी ये ड्रेस कैसी लगेगी गोलू पे जिम के लिए थोड़ी है ऐसे कहीं जाने के लिए अच्छी लग रही है अच्छी लगेगी तो मैं देखती हूँ मैं ये लूंगी कि नहीं लूंगी बाद में बताऊंगी आपको कहाँ जा रहे हो अभी पढ़ने गोलू के लिए ट्रैवल के लिए बैग लिया मैंने हाँ सही है सामान समून छोटा मोटा सामान समून छोटा वो हैंड बैग में तंग हो जाते हैं ना हाँ ये पीछे लड़का है ये ले गया मैंने अनु ये लेके आया मम्मी के लिए दूसरी मम्मी के लिए भी लाया दोनों मम्मा के लिए लाया गोलू माँ के लिए पायल माँ के लिए ये मेरे लिए अनु ये मेरे लिए ये गोलू माँ के लिए इतने बड़े बाल नहीं है बेटा जितनी बड़ी क्लिप उठाई है मजा आ गया मम्मा की जगह घूमी करके चलो अब घर चलेंगे अब हो गया मम्मा के गिफ्ट के लिए लेती हूँ कितने देखो गोलू के लिए गिफ्ट लिया है मैंने दिल से लिया है और मेरी बहन है जो उसके लिए लिया है मेरे भी काम आएगा डबल फायदा सही है बहुत कुछ है आज बाल आगे आज आपका नंबर है कल भाई का आएगा फिर दीदी का आएगा ऐसे तीनों एक एक करके घूमी घूमी करते रहना यहाँ देखो गाइस देखो गाड़ी भर गई मैंने गाड़ी भर दी पूरी गोलू के बर्थडे के लिए बर्थडे है भाई बर्थडे है मेरी बहन का बर्थडे है भाई बर्थडे है मेरी बहन का बर्थडे है चीकू ऐसे करो चीकू करो अनु बर्थडे है भाई बर्थडे है मेरी मम्मी का बर्थडे है चलो 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 सवारियां चलो अरे समोसे की खुशबू आ रही इतनी बढ़िया जबरदस्त तेरा तू तो खा चुका अपने हिस्से का वो तो वहाँ टेस्ट किया था मैंने अच्छा वो चेक किया था इसलिए तो लिया चल साथ लिए तू भी ले लियो ठीक है चलो तो भाई मैंने ये सोचा था कि मैं सारे गिफ्ट एक साथ दूंगी पर मुझे मजबूरन ना सच में बहुत बड़ी मजबूरी है कि मुझे एक गिफ्ट पहले जाके देना पड़ेगा क्योंकि वो है समोसा और समोसा ठंडा अच्छा नहीं लगेगा समोसा तो भाई समोसा पहले देना पड़ेगा वरना समोसा ठंडा होके बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो जाते ही समोसा खिला दूंगी वो लोग को कहूंगी ले तेरे बर्थडे की गिफ्ट की शुरुआत पहला गिफ्ट आप सबको पता है समोसा ले लिया है बाकी बहुत सारी चीजें जो मैंने व्लॉग में नहीं दिखाई है वो आपको दिखेगा फैमिली फिटनेस वाले व्लॉग पे कि मैंने गोलू के लिए क्या क्या
बर्थडे गिफ्ट लिए, 31 बर्थडे गिफ्ट पता नहीं हुए भी है कि नहीं, अगर नहीं हुए होंगे ना तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा और फिर सोच के मैं वो पूरा कर लूंगी। बाकी मैं एक बार देखती हूँ, मैं गिन लेती हूँ बैठ के। इतनी देर से हम बाहर है, अब अयान होने लग गया, जैसे घर के पास पहुंचा वैसे हो गया परेशान। तो अब चलते हैं, बस चलते, आ गया आ गया आ गया। मम्मा का कौन सा गिफ्ट लेके चलोगे आप? ये ले लो, ये ले लो, पक्को पक्को मामा का, पक्को पक्को, अच्छे से पक्को ना, अभी रो रहा था, परेशान हो गया। तो भैया चलो फिर फटाफट सामान लेके चलते, ऊपर इनको पैक भी करना, गिफ्ट रैप करना, गिफ्ट रैप। तो इसे कहते हैं माँ एक योद्धा होती है। मेरा बेटा भी मेरे हाथ में है, मेरा सारा सामान भी मेरे हाथ में है, मेरा पर्स भी मेरे हाथ में है। बस अब मैं थक गई, और ये भी थक गया बार घूम घूम के। आज का कोटा पूरा हो गया, आज का कोटा पूरा। भाभी कब से खड़े हैं? अरे यार दबा दे यार, मेरे हाथ में इतना सामान है यार, बटन दबाया है। तेरा मामा भी ना बिल्कुल पागल है अनु, तेरे मामा बोलो चाचो बोलो क्या समझ नहीं आता। उर, 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 बस बस मेरे सामान भी, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा तंग नहीं होना, तंग नहीं होना, सामान गिर जाएगा बेटे। ये निकलना चाहता मेरी गोद से, गोद से निकलने, मम्मा की गोद से, तो मम्मा अपने चुंगल से निकलने नहीं देगी। इस तरह दुबई गोलू के लिए जो मैं गिफ्ट लेके आई हूँ ना, उसमें से एक गिफ्ट ये है गोलू। ठीक है, ये मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट लगा, मुझे मेरे को सारी खाने पीने की चीजें पसंद है, उत्पम हो गया पूरा। मैं बेंगलुरु घूम गई, मैं उत्पम नहीं खा पाई ना भाभी, नाम जहाँ पे हम गए थे ना बेंगलुरु में, वहाँ पे था भी नहीं अच्छा, फूड नहीं अच्छा था, डोसा अच्छा था, जिस होटल में था वहाँ का फूड अच्छा नहीं था। पहले होटल में था। वो तो बहुत अच्छा था, देखो पेट में खा लो, मुझे वो भी अच्छा लगा था, रुमाली रोटी और दाल। हाँ वो भी टेस्टी था। शांति खा ले तू भी बाबू, मेरे लिए बचा दे, बचा हुआ बेटा ले ले, देखो कैसे लग रहा है, सुंदर लग रहा है, फिनिशिंग कितनी सुंदर लग रही है, छोटा सा एकदम नाम, छोटा नाम ये बहुत बड़ा नाम है। नहीं बाबू छोटे का मतलब जैसे संदीप 7 लीटर है ना, तो पायल 5 लीटर है, पर मेरे को तो उसकी गेटअप अच्छी लग रही है, पूरा ना लुक बहुत अच्छा है। तेरे लिए कोई नाम नहीं, तेरा नाम है भाई पूछे बेटा, मैं सबके बर्थडे मेरा चीकू चिरायू चीकू, सुनो सुनो आपका बर्थडे भी आ रहा है ना, मैं यहाँ पे चिरायू कराऊंगी, पायल के नीचे, फिर चिरायू के नीचे जैद, जैद के नीचे अयान, अयान के नीचे तुबा, मैं पूरी फैमिली का नाम कार्ड का नाम लिखवाएंगे बेटा। ठीक है, थक गया था, और तुबा के नीचे एक नाम छोड़ दूंगी। तो गाइस इस ब्लॉग को इस नए टैटू के साथ एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको टैटू कैसा लगा, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया, और थैंक यू सो मच गाइस, ये जो ब्लॉग है इसमें बहुत सारे कमेंट आएंगे मेरे बर्थडे के लिए, तो सभी को दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे विश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन।